वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया है कि 24 दिसंबर से क्रमिक अनशन सुहेलदेव भारतीय पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर भी हमला बोला, कहा है कि बीजेपी ने अब तक सिर्फ वादा खिलाफी किया है। निःशुल्क आईएएस पीसीएस के कोचिंग के आधार पर एससी एसटी के लिए कोचिंग खोलने के लिए वादा किया गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब हम किस मुंह से बीजेपी को वोट मांगेंगे? उन्होंने कहा है कि महाराज लिखकर सुहेलदेव नाम का कोई टिकट जारी नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूर्वांचल में जब भी पीएम आए मुझे नहीं बुलाया गया, बीजेपी सिर्फ मंदिर अयोध्या और प्रयागराज में ही कुंभ को देख रही है।